सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर ₹70,000। देखो यार, 70,000 के प्राइस पॉइंट के नीचे नीचे आपको हर प्रकार के लैपटॉप मिल जाएंगे। लाइक आपको फोटोशॉप वगैरह करनी है, गेमिंग करनी है, कोडिंग करनी है या और भी मल्टीटास्किंग करनी हो तो आपको इस प्राइस पॉइंट के नीचे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एक बेस्ट लैपटॉप अवश्य मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसमें मैंने सारे लैपटॉप्स को कवर किया है जो आपको अपनी मल्टीटास्किंग में पूरा साथ देने वाले। तो चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट का नंबर 3rd जो लैपटॉप आता है वो आता है HP की तरफ से, जिसका नाम है HP Pavilion 14। यह लैपटॉप बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और अगर आपको एक टच स्क्रीन वाला लैपटॉप चाहिए तो आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। लैपटॉप में आपको 14 इंचेस की IPS टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। इंटेल का कोर i5 11 जनरेशन के चिपसेट के साथ आता है और ये चिपसेट आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। चिपसेट की सारी बेसिक डिटेल्स को मैंने अपनी स्क्रीन पे दे दिया है। एंड अगर स्टोरेज वगैरह की बात की जाए तो 16GB की रैम आपको इसमें मिल जाती है और साथ ही मिल जाती है 512GB की M.2 NVMe SSD। एंड इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको अपनी स्टोरेज को एक्सपेंड करना है तो आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है। विंडोज 11 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको प्रीलोडेड मिल जाएंगे एंड साथ ही आपको इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आपके लैपटॉप के जो व्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस्ड क्वालिटी में आपको मिलते हैं। बैटरी लाइफ में आपको अप टू 5-6 आवर्स तक का बैकअप मिल जाएगा एंड इसके साथ ही आपको सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर, ब्लैकलिट कीबोर्ड एंड ऑल नेसेसरी पोर्ट्स आपको लैपटॉप में अवेलेबल होंगे। और भाई, लैपटॉप का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि यह लैपटॉप एलेक्सा सपोर्टिव है, जो आपके वॉइस कमांड के हिसाब से भी रन कर सकता है। सो गाइज, अगर आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसमें आपको एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस मिल जाए और अपना काम बिना किसी लैग इश्यूज के आसानी से कर सको तो ये लैपटॉप आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस, अब बारी आती है हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर लैपटॉप की, जो आता है लिनोवो की तरफ से। और इस लैपटॉप के फीचर्स ने मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है, बिकॉज इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाएगी, जो एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। प्लस इसमें आपको 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जिससे आपके लैपटॉप की डिस्प्ले इनडोर एंड आउटडोर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। वहीं अगर चिपसेट की मैं बात करूँ तो इंटेल का i5 11th जनरेशन का चिपसेट आपको इसमें मिल जाएगा, जिसकी सारी डिटेल्स को मैंने अपनी स्क्रीन पे दे दिया है, आप देख सकते हो। एंड अगर आपको अपने लैपटॉप में मल्टीटास्किंग करनी है, लाइक कोडिंग या फोटोशॉप वगैरह, और साथ ही करनी है हल्की फुल्की गेमिंग, तो आप इस लैपटॉप के साथ आसानी से कर पाओगे। 16GB की बड़ी रैम आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगी और साथ ही मिल जाएगी 512GB की M.2 NVMe SSD। और स्टोरेज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि ये एक्सपेंडेबल है। और इस लैपटॉप का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि इसमें आपको 2GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, जिससे आपको लैपटॉप के ग्राफिक्स को लेकर किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैटरी लाइफ के बारे में बात की जाए तो अप टू 6 आवर्स तक का बैकअप आपको इसमें मिल जाता है और इसके साथ ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आपका लैपटॉप 60 मिनट में 80% चार्ज हो जाएगा। विंडोज 11 एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको प्रीलोडेड मिल जाते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। और अगर मैं बात करूँ एडिशनल फीचर्स की तो ऑल नेसेसरी पोर्ट्स आपको लैपटॉप में लगभग अवेलेबल होंगे एंड ब्लैकलिट कीबोर्ड और आपकी सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। एंड अगर फाइनली बात कर ली जाए लैपटॉप के प्राइसिंग के बारे में तो लैपटॉप का नाम है लिनोवो आइडियापैड स्लिम 5। फॉर प्राइसिंग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइज, अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के फर्स्ट एंड फाइनल लैपटॉप की तरफ, जो एक फुल्ली गेमिंग लैपटॉप है और इसमें आप अपनी हार्ड से हार्ड मल्टीटास्किंग भी वेरी स्मूथली कर पाओगे। लैपटॉप आता है एसूस की तरफ से, जिसकी अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो AMD का राइजन 7 4th जनरेशन का चिपसेट आपको इसमें मिल जाएगा, जिसकी जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो है 4.2 GHz। और चिपसेट की अदर डिटेल्स को मैंने अपनी स्क्रीन पे दे दिया है। 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगी, जिसपे आपको 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस में मिल जाती है। और डिस्प्ले की तरफ से इसका सबसे बड़ा हाइलाइटेड पॉइंट यह है कि इसपे आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है, तो आपकी जो मल्टीटास्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वे में होने वाली है। रैम एंड स्टोरेज की बात की जाए तो 8GB की अपग्रेडेबल रैम आपको इसमें मिल जाएगी, जिससे आप 32GB तक एक्सपेंड कर पाओगे, और साथ ही मिल जाएगी 512GB की M.2 NVMe SSD और इसे भी आप अपनी यूजर्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर पाओगे। एंड इसमें एक पॉइंट और है जो आपको इम्प्रेस कर देगा, खास करके गेमर्स को, और वो ये है कि इसमें आपको एक 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है, जिससे आपको मल्टीटास्किंग और गेमिंग के वक्त काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी ग्राफिक्स मिलते हैं। विंडोज होम एडिशन एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आपको प्रीलोडेड मिल जाते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में तो भाई, लैपटॉप का जो नेचर है वो एक गेमिंग लैपटॉप का है, तो भाई ड्यूरिंग गेमिंग आप इससे 4-5 आवर्स तक का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और भाई नॉर्मल यूजर्स पे आपको 6 से 7 घंटे तक का बैकअप मिल जाएगा। लैपटॉप में आपको ऑल नेसेसरी पोर्ट्स अवेलेबल होंगे और साथ ही मिल जाएगा ब्लैकलिड कीबोर्ड जो लैपटॉप को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे देता है। सो फाइनली गाइज, अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो जिसमें आप हार्ड गेमिंग कर सको तो आप इस लैपटॉप को ले सकते हो, जिसका नाम है Asus TUF F15, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके चेकआउट करके बाय भी कर सकते हो। तो गाइज ये थे आज के हमारे टॉप 3 लैपटॉप्स जो अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं। सो सबसे पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट फिक्स कीजिए कि आपको किसके लिए लैपटॉप चाहिए और इन तीनों में से एक को चूज कर लीजिए। सो गाइज टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, मैं भी चलता हूँ।